नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रांची की एचईसी कंपनी बचाने को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में अब इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने आज झारखंड विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस, राजद, जेएमएम, माले, जदयू के दर्जनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आंदोलन में हजारों की संख्या में एचईसी के कामगार शामिल थे। ये देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है। पिछले दिनों जो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ, उसका लॉन्चिंग पैड बनाया था। ये आंदोलन कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन उसके लिए शामिल होकर के इस आंदोलन में, और अब हम इस लड़ाई में पूरे तरीके से शामिल हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो इस देश का मदर प्लांट है, वो आज घुट घुट करके उसको मारने की कोशिश, और जो नीति है केंद्रीय सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, नीति आयोग के द्वारा 48 पब्लिक सेक्टर को बेचने का जो योजना किया गया है, उसमें 22 के करीब तो ये लोग बेच चुके हैं। और एचईसी जो मदर प्लांट रहा, जिसको हर ने कहा कि इसी ने बोकारो बनाया, इसी ने भिलाई बनाया, इसी ने विशाखापट्टनम बनाया, इसी ने सीमेंट इंडस्ट्रीज बनाया, यहाँ तक कि इसरो के साथ एक लंबे समय से एचईसी, उनके ट्रेन, उनके लॉन्चिंग पैड, ये में उसकी भूमिका रही है। आज 18 महीने से यहाँ के पदाधिकारियों का और वर्करों का वेतन बंद है, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आज पूरी तरह से यहाँ पे है। तो ये ज्वाइंट लड़ाई है किसान, मजदूर और राजनीतिक दल का, कि एचईसी को ही नहीं बचाना है बल्कि देश के पब्लिक सेक्टर जो नवरत्न रहे हैं उनको भी बचाना है,